हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुरजीत सिंह। सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 13, टेम्परेचर, क्लास फिफ्थ में चैप्टर 13 टेम्परेचर है। इसको हिंदी में हम तापमान बोलते हैं। हमें इस चैप्टर में सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना एंड फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। ये दो फार्मूले दे रखे हैं, कन्वर्सन ऑफ सेल्सियस स्केल्स इनटू फ़ारेनहाइट स्केल टू चेंज द सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। यानी कि हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फार्मूला है एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32। सेकेंड फार्मूला है टू चेंज द फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सी इजिकल टू 5/9 ब्रेकेट एफ माइनस 32। ये दो फार्मूले बेस्ड ये टेम्परेचर का चैप्टर है, बहुत इजी है। आज हम चैप्टर 13 टेम्परेचर एक ही वीडियो के माध्यम से हम फिनिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 13। चैप्टर 13.1 एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। बॉइलिंग पॉइंट टू वाटर, इनके पानी जो है बॉइलिंग यानी उबलने लगता है। किस टेम्परेचर पे पानी ऑटोमेटिक उबलने लगता है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी उबलने लगता है। सेकंड है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इनके बर्फ़ पानी का जो बर्फ़ जमता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। कितने जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी जो है जम जाता है। आपने फ्रिज देखा होगा, आपके फ्रिज में फ्रीजर जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से कम होता है। आप उसमें पानी रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो बर्फ़ जम जाता है, ठीक है। इसमें कितना आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो 98.6 फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में हमारा कम होगा। ये दो क्वेश्चंस हैं, चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, इसको हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और सेकेंड में दे रखा है जो फ़ारेनहाइट दे रखे हैं इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, उन दोनों फार्मूले के बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। हमें जो टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, कैसे करेंगे सोल्व, हम करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फार्मूला होगा एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32। सी प्लस 32 इक्वल के नीचे हम इक्वल लगाएंगे 9/5। अब यहाँ पर कोई हमारा साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद सी दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे प्लस 32 लगाएंगे, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इस 5 से 15 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, कितना हो गया 9/3+32। ओके, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, 9 3 जा कितना होते हैं 27+32। 27 को हम 32 में प्लस करेंगे कितना आएगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस,
इसे हम किसमें चेंज करना है, हमें इसमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32, ये हमें फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, 9/5 इंटू सी की जगह कितना लिखा है 35, 35 प्लस 32। हमें क्या करना है, इस 5 से 35 को हम डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। 9 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, वहीं आएगा 32। 9 7 जा कितना होता है 63 प्लस 32, हमारा ये है 32 ही आ जाएगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 95 फ़ारेनहाइट। एफ की जो वैल्यू आई है आपकी 95 डिग्री। ओके, सेकंड थर्ड पार्ट है इसका 56 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, वही हमें फाइव एफ फाइंड करना है। एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32, इक्वल के नीचे हम इक्वल लगाएंगे, 9/5 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 56, 56 प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, 9/5 से 56 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इस 9 की 56 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 504/5 प्लस 32। इक्वल को नीचे इक्वल लगाने के बाद इस 5 से 504 को हम डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास आएगा 100.8 और प्लस 32, दोनों को हम ऐड कर लें, एफ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 132.8 डिग्री। एफ की वैल्यू आएगी 132.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट है 75 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, वही एफ की वैल्यू फाइंड करनी है फ़ारेनहाइट की। एफ इजिकल टू होता है 9/5 सी प्लस 32, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, 9/5 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी हमारी 75 प्लस 32, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, इस 5 से 75 हमारा डिवाइड हो रहा है, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। 15 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे, 15 9 जा कितने होते हैं 9 मल्टीप्लाई 15 प्लस 32, 59 जा होते हैं 135 प्लस 32, दोनों को हम ऐड कर लेंगे 167 फ़ारेनहाइट। एफ की वैल्यू जो आ गई 167 डिग्री। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट है आपका 205 डिग्री सेल्सियस। 205 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ इजिकल टू होता है 9/5 सी प्लस 32, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, 9/5 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 205 प्लस 32, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, इस 5 से हम 205 को डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 4 जा 5 बन जा, कितना आ गया 41। 9 मल्टीप्लाई 41 प्लस 32, 9 बन जा 9 और 9 4 जा 36 और प्लस कितना हो जाएगा 32, दोनों को हम ऐड करेंगे 401 डिग्री। एफ की जो वैल्यू है 401 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही हम 325 की वैल्यू निकालेंगे, एफ इजिकल टू कितना है, फार्मूला लिखेंगे 9/5 सी प्लस 32, इक्वल को नीचे इक्वल लगाएंगे, 9/5 सी की वैल्यू कितनी दे रखी 325 प्लस 32, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, इस 5 से 325 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 5 65। 9 की मल्टीप्लाई हम 65 से करेंगे और प्लस 32, 9 की मल्टीप्लाई हम 65 से करेंगे तो 565 आएगा और प्लस 32, दोनों को हम ऐड करेंगे 597 डिग्री। एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है 597 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, अब हम सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करना है।
तो हम क्या लिखेंगे सॉल्व में, सेल सी इजिकल टू, अब हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा 5/9, पहले हमारा 9/5 था, सी इजिकल टू होता है 5/9, अब हम ब्रेकेट लगाएंगे f माइनस के 32, सी इजिकल टू 5/9 सेम लिखेंगे, f की वैल्यू जो दे रखी है हमारी 50 दे रखी है, 50 माइनस 32, सी इजिकल टू 5/9, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 50 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, 9 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, 9 बन जाए 9 और 9 टू जा 18, सी इजिकल टू कितना आ जाएगा 5 × 2, सी इजिकल टू आ जाएगा 5 × 10 डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू होती है 10 डिग्री। ऐसे बी पार्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, सी इजिकल टू 5/9 ब्रेकिट एफ माइनस के 32, सी इजिकल टू 5/9 और जो एफ की वैल्यू दे रखी है वो 86 दे रखी है माइनस के 32, क्लियर, सी इजिकल टू 5/9 मल्टीप्लाई 86 में से हम 32 को माइनस करेंगे हमारा आएगा 54। अब हमें क्या करना है इस 9 से 54 को डिवाइड करना है, 9 बन जा 9 और 9 6 जा 54, सी इजिकल टू 5 × 6, सी इजिकल टू 5 6 का कितना होते हैं 30 डिग्री, सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री, क्लियर, समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट है 122 फारेनहाइट, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, सोल्व करेंगे, फार्मूला होगा सी इजिकल टू 5/9 ब्रेकेट 32 सी इजिकल टू 5/9, एफ की जो वैल्यू दे रखी है 122 है, कितनी है 122 माइनस के 32, सी इजिकल टू 5/9 मल्टीप्लाई 122 में से हमें माइनस करना है 32 तो बचेगा आपका 90, कितना बचेगा 90, अब हम 9 से 90 को डिवाइड करेंगे, 9 बन जाए 9 जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 10, सी की वैल्यू आ गई 5 × 10 = 50 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। सेकंड है आपका सी इजिकल टू 5/9 ब्रेकिट एफ माइनस के 32, सी इजिकल टू 5/9 जो एफ की वैल्यू दे रखी है 167 दे रखी है और माइनस के करना है हमें 32, क्लियर, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5/9 मल्टीप्लाई का हम साइन लगाएंगे, 167 में से 32 को माइनस करेंगे कितने बचेंगे 135, कितने बचे 135, आप माइनस करके देख लेना। अब हम क्या कर लेंगे 9 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9 और 9 5 जा कितने होते हैं 45, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5 × 15, तो सी की वैल्यू 15 5 जा कितने होते हैं 75, सी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है 75 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका, सोल्व करेंगे वही फार्मूला यूज करेंगे, सी इजिकल टू 5/9 ब्रेकेट एफ माइनस के 32, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5/9, एफ की वैल्यू जो दे रखी है हमारी 200 3 − 32, सी इजिकल टू 5/9 203 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारा 171, 203 में से 32 को हम लेस करेंगे 171 हमारा बचेगा। अब हम क्या करेंगे इस 9 से 171 को डिवाइड करेंगे, 9 बन जा 9 और इसको डिवाइड करेंगे वो आएगा आपका 19, कितना आएगा 19, तो सी इजिकल टू 5 की मल्टीप्लाई हम 19 से करेंगे, सी इजिकल टू 19 5 जो होते हैं 95 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे 5/9 ब्रेकेट एफ माइनस के 32, इक्वल को नीचे इक्वल लगाएंगे 5/9 ब्रेकेट 275 माइनस के 32, 5/9 मल्टीप्लाई
275 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 243। कितना बचेगा? 243। इस 9 से हम 243 को माइनस डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 27। तो सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 5 × 27, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 27 की मल्टीप्लाई हमें 5 से करेंगे तो 135 डिग्री आएगा। क्लियर? ये एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 13.1 टेम्परेचर आपको बताया, बहुत इजी तरीके से आपको करना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस, टेक केयर, बाय बाय।